किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, ये जगह याद है ना आपको, जहां 15 फरवरी 2019 को जो मेरी सबसे मशहूर अब तक की वीडियो है वो बनाई थी। जगह यही है, पेड़ यही है। उस वीडियो का टाइटल था अमरूद की कटिंग कब और कैसे करें। 15 फरवरी 2019 के बाद मैंने आपको ये भी दिखाया था कि उस अमरूद की कटिंग मैंने जुलाई में कैसे की थी। पेड़ बहुत अच्छा हो चुका है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि उस पेड़ की हालत क्या है और मैं उसकी कटिंग किस प्रकार करूंगा। आइए देखते हैं उस अमरूद। ये देखिए, ये अमरूद है, मेरा हाथ है इतना बड़ा जा रहा है, और इसको मैं अब इसकी विस्तृत आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कटिंग का क्या महत्व है और क्या इसका स्थान है। आपको याद होगा तो ये हमारी पहली कटिंग थी, इसमें हमने कुल 4 शाखाएं छोड़ी थी। आप देखिए, एक शाखा ये छोड़ी थी, ये जो ये कटिंग है हमारी, ये वाली, ये फरवरी में करी थी, और इतनी शाखा हमने छोड़ी थी। एक हमने ये कटिंग की थी यहाँ पर, दूसरी, और ये हमारी तीसरी शाखा थी, और ये हमारी चौथी शाखा थी। ये 4 शाखाएँ हमने छोड़ी थी। 4 शाखाएँ छोड़ने के बाद में 1, 2, 3 और 4, ये देखिए अब ये कितनी मोटी हो गई है। इनमें से फिर हमने चुनाव किया था। आप देखिए, जब ये कटी थी तो ये कल्ला हमने रखा था, ये वाला कल्ला, ये कल्ला यहाँ से, ये कल्ला और ये कल्ला, दो यहाँ पर रखे थे हमने, और इसमें से भी हमने 2 कल्ले रखे थे, 1 और 2, जो पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, और एक कल्ला ये रखा था हमने, और इस वाली शाखा में जो है एक कल्ला ये रखा था हमने, और एक ये रखा था, और एक ये, 3 रखे थे। इसमें से हमें नीचे से 2 बोनस मिले थे, मैंने दिखाया था, ये देखिए, एक ये और एक ये। अब आप देखिए, इसे कहते हैं छत्रक। हमने 3-4 शाखाएं छोड़ी थी और 4 शाखाओं में से हमें लगभग 16 हमने शाखाएं रखी हैं, और इसे एक छतरी का रूप दिया है। आप देखिए कितना सुंदर पेड़ बन गया है इसमें। तो आप देखिए इस पर अब कितनी फ्लावरिंग आई हुई है, ये देखिए। अगर आप इसके अमरूद गिनेंगे तो ये देखिए, इस पर ही चलिए, एक एक ही शाखा पर गिनते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15 और 3, 18, इस पर 18 हैं। इस प्रकार ये कम से कम भी इस पर 20-25 शाखाएँ हैं जिन पर अमरूद आए हुए हैं, कल्ले निकले हुए। तो आप देखिए, छोटा सा पौधा और 200 के लगभग अमरूद। अब ये है बरसात की फसल, ये देखिए। तो मैं इनको क्या करूँगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर ताव देने का कोई नहीं है, पानी मैंने नहीं दिया हुआ था, तो ये मैं कलियाँ जो है ना इस प्रकार तोड़ दूँगा, ये सारी कलियाँ तोड़ दूँगा। किसान साथियों, मैंने आपको बताया था कि इस कलियाँ तोड़ने का कारण क्या है, कि जितनी भी ऊर्जा है, जो भोजन मिलता है, जो इन पौधों को, इन कलियों में जाएगा, वो सारा इसकी शाखाओं में रह जाएगा। अब मैं आऊँगा 5 तारीख को, 5 तारीख को मैं इसकी कटिंग करूँगा। लेकिन कुछ भाइयों ने कटिंग कर दी है, कल भी मेरे को एक फ़ोटो आया था कि उन्होंने कटिंग शुरू कर दी है। तो मैं ये बताऊँगा कि अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है और आप कटिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं ये सब शाखा, ये जो फ्लावर हैं, किसान साथियों, अधिकतर किसान बरसात के फसल लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है और कीड़े पड़ जाते हैं, फल भी स्वादिष्ट नहीं होता है। तो ये देखिए आप, मैंने इनमर तोड़ दिए और ये आपको सभी के सभी तोड़। किसान साथियों, मैंने बताया था, एक वीडियो बताई थी मैंने, कि फसल प्रबंधन, कि आपको बरसात की फसल नहीं लेनी है और सर्दियों की फसल लेनी है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। तो उनमें 2 कार्य होते हैं। एक कार्य होता है, अगर पौधे कम हैं तो आप हाथ से कलियां तोड़ सकते हैं, और अगर पौधे कम नहीं हैं तो 15-20% यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं आप। यूरिया का स्प्रे करने से क्या होगा, सारी कलियां और पत्तियां 25 दिन के अंदर गिर जाएंगी और पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, और जब 25 दिन के बाद आप कटिंग कर पानी देंगे तो उसमें बहुत फुटान आएगी।
लगभग सारी कलियां एक तो को छोड़कर टूट चुकी हैं। अब किसान साथियों, मैं ये दिखाऊंगा कि जिन भाइयों ने कटिंग कर दी है, इसकी कटिंग किस प्रकार करेंगे। मेरे पास कटर नहीं है, वो मेरे खेत में है और ये मेरे घर पर है पेड़ जो है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आइए यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहली वीडियो करी थी। चलिए ये देखिए, ये जो शाखा है ये हमारी, मैंने बताया था, ये दिखाना, ये पहली कटिंग थी ये वाली, और ये हमने पिछले साल जुलाई में की थी। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों शाखाओं को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई लगभग 3 फुट होगी। तो इस शाखा को ये बहुत ध्यान से देखिए कि ये इसमें यहाँ तक भूरा रंग है, ये पक चुकी है शाखा यहाँ तक, ये देखिए। तो पहला सिद्धांत ये है कि इसे यहाँ से काट दीजिए, तो लगभग कितनी होगी, ये 1.5 फुट हो जाएगी। तो चूंकि ये हाई डेंसिटी नहीं है, अकेला पौधा है, इसे यहाँ से काट सकते हैं आप। जब यहाँ से काटेंगे तो ये 3 शाखाएँ इसमें बचेंगी, इनको आप यहाँ से जड़ से काट दीजिए, ये एक पत्ती छोड़कर। ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ये जो है ना, इसमें एक पत्ती छोड़नी है आपको यहाँ से, इसमें भी एक पत्ती छोड़नी है, यहाँ से काटनी है, और इसको यहाँ से काट देंगे, इसको भी यहाँ से काट देंगे। अब क्या होगा, इसमें जितनी भी आँखें हैं यहाँ से कल्ले निकलने शुरू होंगे जब यहाँ से, और ये जो तना है और ये एक नई शाखा निकली है, इसके बीच का जो ये एंगल बनता है इसे एक्सेल बोलते हैं। तो जो कल्ला निकलेगा, कल्ले को बोलते हैं, जो बाद में टहनी में परिवर्तित होगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ से आपको लगभग 4 कल्ले का आपको सर्जन, कल्ले कभी निकलेंगे लेकिन 4 का रख सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए आप इसको, इसको यहाँ से काट दीजिए। तो 2 ये छोटी छोटी आप हटा सकते हैं, इनको इनको हटा सकते हैं यहाँ से, यहाँ भी कल्ले निकलेंगे। और इसी प्रकार ये जो छोटी छोटी हैं यहाँ से इनको हटा दीजिए इस तरह से, इनको, ये वाली है इसको यहाँ से काट दीजिए, या इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, जैसी ये है ना, ये दिखाई हुई है पहला कल्ला, यहाँ से काट दीजिए इसको। इसी प्रकार ये जो वाली टहनी है इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ये पक चुकी है, ये भी पक चुकी है, यहाँ तक कर दीजिए इसको, इसको यहाँ से काट दीजिए। तो आप देखिए यहाँ तक की हाइट हो जाएगी, लगभग इसकी 6 फुट की हाइट हो जाएगी आपके पेड़ की। इसी प्रकार ये टहनी देखिए, यहाँ से हमने जुलाई की कटिंग की थी, इसको हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। और कटिंग के बाद आपको पानी देना है, खाद नहीं देना है, थाला नहीं बनाना है, बस इतना करना है, जिनके पास ड्रिप है वो ड्रिप से पानी दीजिए, जिनके पास नाली का है वो नाली से पानी दीजिए। और पानी देने के बाद आपको जब तक पहली बारिश होगी, जो जून की बारिश होती है, तब तक आपको सिंपल रूप में उसमें नमी बनाए रखनी है। जिस दिन आप कटिंग करेंगे उसके 25 दिन बाद आपके पूरे कल्ले निकल आएंगे, और कल्ले निकलने के 30 दिन बाद फूल आ जाते हैं। जब फूल आएंगे और कल्ले निकलने के, यानी 25 और 30 दिन के बीच में, यानी 40 से 45 दिन के बीच में, आपको एक स्प्रे करना होगा, 1 ग्राम बोरोन, 2 ग्राम चिलेटेड जिंक, दोनों को मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए इसको। इससे क्या होगा, आपके कल्ले भरपूर मात्रा में, जो फूल हैं वो भरपूर मात्रा में आएंगे और रुकेंगे। पानी देते रहिए, खाद का मैंने बता दिया है कि खाद की कितनी मात्रा देनी है। जब पहली बारिश होगी तब हम थाला बनाकर खाद देंगे, और खाद देते समय ये बहुत ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि खाद ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए, मिट्टी इस प्रकार ढकनी है कि उसमें खाद बिल्कुल ढक जाए। अगर ऊपर रह गया तो ये आपका वाइट ग्रब और दीमक को बुलाने का न्योता होगा, और उस खाद का कोई फ़ायदा नहीं होता है जितना भी ऊपर रहता। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई मेरे से फ़ोन करता है, तो फ़ोन लोग एकदम फ़ोन करते हैं, ये भी नहीं देखते कि रात हो रही है, क्या टाइम हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, अगर मुझे लगा कि मुझे आपकी बात का जवाब देना है तो मैं जवाब अवश्य दूंगा। इसी के साथ खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सामाजिक दूरी का पालन करिए, और विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।